दोस्तों आप सभी कैसे हैं, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड न्यू चैनल। और दोस्तों आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर बजरी पड़ी है, वो छोटे छोटे कंकर आते हैं वो पड़े हैं, ईंटें पड़ी हैं, और यहाँ पर तो पानी तो आता ही नहीं है, हमारे तो बिल्कुल ही नहीं आता। और देखिए आज कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, और बहुत धूप भी हो रही है। यहाँ पर हमारी है ना बटेर भी रहती है, पता नहीं कहाँ गई आज। देखिए दोस्तों छोटे छोटे मतलब पक्षी आ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, देखिए वो रहा। रुको मैं जूम कर देती हूँ, शायद आपको दिख रहा हो, वो रहा है ना, दिख रहा है ना। बहुत ही अच्छे पक्षी होते हैं, इन्हें खाना देना चाहिए। मैं जूम आउट कर दी हूँ। यहाँ पर खूब सारे हाबू उड़ रहे हैं, हाबू, और गिलहरी भाग चुकी है उससे डर के। और दोस्तों यहाँ पर आंकड़े के पेड़ भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, देखिए वो रही गिलहरी चढ़ रही है। और यहाँ तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, पर यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। और यहाँ पर जब फसल होती है ना तो मिट्ठू आते हैं खूब सारे, मिट्ठू वो जो अलग मतलब अलग अलग पक्षी होते हैं वो आते हैं, बर्ड आती हैं, और ईगल भी आते हैं। और दोस्तों कल पापा ने यहाँ पर सफाई करी थी। दोस्तों अब देखिए मेरे किचन, मैंने ये ईंटें लाई थी और इनसे चूल्हा बनाया, और इसी पे कल हमने ब्लॉग डाला था, उसमें हमने बनाए थे समोसे, पर आपने ज़्यादा प्यार नहीं दिया है इसे। प्लीज़ हमारे इस ब्लॉग को प्यार देना, क्योंकि इसमें हम चूल्हा दिखा रहे हैं आपको, और चक्की भी है मेरे पास, और ये मसालदानी के लिए रख रखे हैं मैंने। और दोस्तों देखिए ये अभी तक ठीक नहीं कराया उन लोगों ने, ऐसे ही ईंट घुसेड़ दी। दोस्तों अंदर चलते हैं, मम्मी से भी मिलते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप अच्छे ही होंगे। नमस्ते, जय माता दी करते हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल के ब्लॉग में हमने मिनी समोसे आपको मिनी किचन में दिखाए थे, पर आपने प्यार नहीं दिया तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें तो ब्लॉगिंग करना है, हम हमारा काम करेंगे, आपको जो करना है आप लोग वो करिए, आपको व्यूज़ देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर सफल होगी, क्योंकि मेहनत करते रहना चाहिए, हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने वाली हूँ गाइज, और हम नहाए नहीं है क्योंकि क्लीनिंग चल रही है घर की, जाले वाले हो रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जाला और चिड़िया को दिखा दो। दोस्तों ये चिड़िया है, चिड़िया दिख रही हो काश, और इस चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाया हुआ है। कुछ आज स्पेशल है हमारे ब्लॉग के अंदर, हम पास से नहीं दिखा सकते, और घोंसला कहाँ बनाया हुआ है उंगली करके दिखाओ, वो रहा देखो इसके अंदर घोंसला बनाया हुआ है, और उसके दो दो छोटे छोटे पप्पी हैं, यानी बच्चे हैं, और वो चू 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 करते रहते हैं। आप चुभने ना, अभी आएगी आवाज आएगी, देखो आपको सुनाई दे रही हो तो। हेलो दोस्तों, हम धीरे धीरे बोलेंगे क्योंकि आपको पपीज की आवाज सुनाई नहीं दे रही। पपीज भी बोल, चिड़िया के चूजे हैं, हाँ चूजे बोल लीजिए, पपीज बोल लीजिए, नहीं चूजे चूजे। तो इसके पापा कुछ मस्ती के मूड में हैं, तो हम ब्लॉग बना रहे हैं, पप्पी डॉग सैड रहता है, तो डोंट माइंड, हम खुद ही सैड हैं। नहीं पहले बताओ, अंडा पहले हुआ था, मुर्गी पहले हुई थी, पता नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो दोनों ही एक साथ हुए थे। दोस्तों हेलो दोस्तों, हम इसके आपको बच्चे कैसे दिखाएं, हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा है,
क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचा है। मुझे आपको बच्चे कैसे दिखाएं? मैं बताऊं, स्टूल से दिखाने पड़ेंगे गाइस। और स्टूल से तो अभी हम ना तो नहाए हैं दोस्तों, बड़ी स्टूल लेनी पड़ेगी, पर हमारे पास अभी बड़ी स्टूल नहीं है। अभी सब भीतर भीतर हो रहा है सामान, अभी तो क्लीनिंग होगी। और मैंने देखिए कुछ करके दिखाती हूँ, इसमें मैंने उसका एक गद्दा और रखा है, दो तकिए और रखे हैं, और एक चादर भी है। जब मेरी गुड़िया आ जाएगी मैं उसको उसमें सिलाऊंगी। अभी तो 2 मीलों दूर है। हेलो गाइस, मैं कैसे दिखाऊं आपको इसके बच्चे? इसके अंदर है इसके बच्चे, इसके दिख नहीं रहा। इसके अंदर है इसके बच्चे और बहुत ही छोटे छोटे से बच्चे हैं। जूम करके भी नहीं दिख रहा है गाइस, सॉरी गाइस, हम नहीं दिखा पा रहे हैं और मुझे गिरने का भी डर लग रहा है। और इसने तो है ना पूरा पोपटी कर दिया है अपनी साइकिल का, चौपटी कर दिया है साइकिल को, एक हैंडल तोड़ दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया। बेचारी हीरो बन रही है साइकिल चला के। और कल हम प्याज भी लेके आए थे गाइस, और देखिए कितनी प्यारी साइकिल है। और मैंने गंदी करा की है, अभी मैं साफ कर देती हूँ, आज आपको साफ करके दिखाएंगे। और बाहर का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ गाइस। और आज हमने कुछ खास नहीं किया है, कल किचन ब्लॉग बनाया था तो किचन ऐसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। और धूप अपना करंट मार रही है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस सिराई में भी हमने पानी नहीं डाला है, अभी तक नहीं डाला है, इसमें चिड़ियाएं पानी पीती है। गाइस गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, आप भी ऐसे ही कुछ ना कुछ भर के रखें जिससे पशु पक्षियों को पानी मिलता रहे। पशु को तो पशु क्या पिएगा इतने से पानी में, लेकिन हाँ चिड़ियाओं को बहुत अच्छे से पानी मिल रहा है इससे। और ये हमारे पास में टेंट वाले की दुकान है, गोडाउन है, और इस तरीके का व्यू हो रहा है गाइस। बदल हो तो रहे हैं लेकिन धूप बड़ी तेज है। और मैं आपको किसी दिन यहाँ के जंगल भी दिखाऊंगी गाइस, यहाँ पे नीलगाय भी आती है। मकान तो बन गए हैं पर यहाँ पे नीलगाय आती है, और बहुत से मकान बन चुके हैं। और आप देख सकते हैं बजरी भी पड़ी हुई है, बजरी किसी ने पटकी है, शायद कंस्ट्रक्शंस का काम चलने वाला है। तो हम अंदर चलते हैं, और आज दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और किरण ने अपनी साइकिल साफ कर ली है गाइस। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, बार बार मैं ब्लॉग्स में यही रिपीट कर रही हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम भारद्वाज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि मेरे एडसेंस खाते में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जिससे हम उसका प्रोसेस पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी यूट्यूबर अगर इच्छा रखता है मेरी हेल्प करने के लिए या मेरा ब्लॉग्स देखता है, प्लीज़ आगे आए और मैसेज करें, मैं उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी। प्लीज़ मेरा ये प्रोसेस पूरा करवाएं जिससे मेरी सैलरी आने में कोई दिक्कत नहीं हुई, पिन नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं हुए। और एक लेडीज़ आपसे हेल्प मांग रही है, प्लीज़ लेडीज़ फर्स्ट, एक औरत समझ के मेरी हेल्प कीजिए। मैं विकास जैक्सन जी से भी यही बोलूँगी कि उनकी सैलरी आ रही है, उन्होंने भी ये प्रोसेस पूरा करा होगा, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और
बस मेरी हेल्प कीजिए जिससे मेरी सैलरी आने में कोई दिक्कत नहीं हुए। और आज हमने तुरई की सब्जी बनाई थी गाइस और हमारा पानी वानी सब कुछ भर चुका है, आप देख सकते हैं ढका हुआ है, बिना ढक के हम कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं। और आज तुरई की सब्जी बनी थी, किरण सफाई कर रही है, क्लीनिंग करने का काम किरण का है। और ये देखिए प्यारी प्यारी सी सब्जी बनी हुई है, चपाती हम अभी सेकेंगे। ऊपर का व्यू दिखा के आ जा, जल्दी से जा जाओ अच्छे से, पेड़ वेड़ सब दिखा के आना। तो YouTube फैमिली लाओ दे दो, इतनी सी बोतल इससे डाल के तो आ जा दोस्तों, पानी डाल के आ रहा हूँ। दोस्तों मैंने उसमें पौधों में पानी डाल दिया है, इसमें तो पौधे आ ही नहीं रहे। तुलसा मैया जी भी सूख चुकी है, नई तुलसा मैया जी लानी थी। और यहाँ पर हमारी गिलोय उगरी है इतना, और ये पौधा पता नहीं कहीं का है। और ये तो मुझे पता है पक्का है खरबूजे का है, क्योंकि मैंने इधर खरबूजे का बीज डाला था। ये सूख गया पता नहीं क्यों, एक दिन पानी नहीं डाला शायद, उसमें सूख गया। तो जब हम गए थे ना भरतरी तब, तो दोस्तों और मामला आपको दिखाने जा रही हूँ। दोस्तों मैंने सारे पानी डाल दिया है और देखिए पेड़ कितना हरा भरा हो गया है। आह मेरे पैर जल रहे, आह ओह माय गॉड, थोड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। और ये देखो ये पेड़ भी हरा भरा हो गया है दोस्तों। यहाँ पर ये खेतों में जब पौधे आ जाते हैं मतलब ओह माय गॉड, नहीं नहीं लगा लिया दोस्तों। और वहाँ पर देखिए गाय खड़ी है, चल रही है, और देखिए वो पक्षी, और इस पर फलियाँ उग रही है। मिट्टू क्या मिट्टू 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 दोस्तों, अभी मैंने मिट्टू से देखा पर आपको नहीं दिखा होगा, और मैं जूम आउट कर देती हूँ। देखिए देखिए ये पेड़ पे है ना कितने सारे पक्षी बोल रहे हैं। और एक बार है ना ये जो बाल्टी है ना, बाल्टी है ना, इस बाल्टी में ना एक बार है ना हमें बहुत सारे अंडे दिखे थे। और ये जो चूल्हा है ना इसमें भी बहुत सारे अंडे चिपकली के, मतलब यहाँ पर मिट्टू आते रहता है। जब यहाँ पर फसल उग जाती है, जो पक जाती है तो आते हैं। और यहाँ पर हमारे पौधे हैं, और देखिए इस पर अभी छत नहीं डली, ऊपर वाली पे ऊपर वाली भी छत नहीं डली है। चलो अब हम नीचे चलते हैं। मैंने आपको कितनी सारी चीजें दिखाई, और देखिए गिर सकता है मेरे ऊपर। मम्मी यहाँ पर क्या कर रही है देखते हैं। माय
मेरी थोड़ी क्लीनिंग हो चुकी है, चप्पल ऐसे की ऐसी पड़ी है, मैं यहाँ समा देती हूँ, चप्पल दूर सकेगा। तो गाइस हम इस किचन की सफाई कर देते हैं, क्योंकि कल हमने इसमें खाना बनाया था। इंसान को सफाई करके ही रहना चाहिए गाइस। और कल कल में कितनी मिट्टी आ चुकी है, हम इन सब चीजों को यहाँ पे जमा देंगे, और जब दोबारा हमें किचन बनाना होगा तब हम वापस से बना लेंगे घर। मम्मी आप किचन ब्लॉग कब आएगा? अभी कल ही तो गया है, बनाना तो तुझे कुछ आता नहीं है। किचन ब्लॉग कब आएगा? कुछ बनाना आता है क्या तेरे को? हैं? यहाँ हमें किचन ब्लॉग बनाती है। हेलो गाइस, इसको हम ढक देंगे जिससे कि ये सेफ रहे, मतलब मिट्टी वगैरह नहीं जाए इसके अंदर, और इधर से हम गंदगी ले लेंगे। कल इसने बिल्कुल भी सफाई नहीं की है, केवल ये इसको ये है कि किचन ब्लॉग बनाना है। शूट किधर कर रही है इसको? फर्श को शूट कर रही है, और कैमरामैन हमारा है ना एक नंबर का, एक नंबर नहीं है कैमरामैन हमारा, सेकंड नंबर भी नहीं आता है गाइस, सप्लीमेंट्री कैमरामैन है हमारा। माथा पच्ची करनी पड़ती है मुझे, इस गंदगी को हम चिड़िया के लिए पानी डाल दिया क्या? अभी डालूंगा। तू भी बाद में पीती होगी पानी, तो मैं लोग हेलो गाइस मुझे डालना पड़ेगा, और ये गंदगी मैंने सोड़ दी है, इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। ये देखिए सुअर, पानी हम चिड़ियाओं के लिए डाल देंगे। देखिए सुअर जा रहा है। तो इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हुए, कल फिर नए ब्लॉग में हम आपसे मिलेंगे, और अगर हमारा ब्लॉग आपको जरा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक करना, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये ब्लॉग आपको जयपुर से देखने को मिल रहा है, अगर आपको जयपुर जरा सा भी अच्छा लगता हो, धर्मस्थली जरा से भी अच्छी लगती हो, हम जरा से भी अच्छे लगते हो, तो लाइक तो ज़रूर बनता है गाइज़। तो कल के ब्लॉग में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।